सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दी बधाई। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पटना में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया प्रकाशोत्सव, देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच आज दिल्ली में हुई 10वें दौर की वार्ता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर सरकार चिंतित। भारतीय रेल मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का किया निर्णय। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर हुई 96.70%। अब तक 1,02,45,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली में आईटीबीपी के जवानों को किया गया तैनात। दिल्ली पुलिस के साथ यह जवान इंडिया गेट और राजपथ के साथ समस्त संबंधित क्षेत्रों की कर रहे कड़ी निगरानी। भारत ने पड़ोसी देशों को स्वदेशी कोविड वैक्सीन की खेप भेजने का काम किया शुरू। भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, सेशल्स सहित म्यांमार और नेपाल की वैक्सीन की सप्लाई। अब खबरें खेल जगत से। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा, वहीं टेस्ट चैंपियनशिप में हासिल किया पहला स्थान। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ अगले माह होने वाली 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले 2 टेस्ट मैचों की भारत की घोषणा की। कप्तान विराट कोहली सहित कई बड़े खिलाड़ियों की टीम में हुई वापसी। 5 फरवरी से चेन्नई में होगा पहला मैच।